हमारा देश भारत दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान रखता है, चाहे वो पॉपुलेशन के मामले में हो, चाहे आईटी रेवोल्यूशन के मामले में, चाहे हमारी सेना की बहादुरी के मामले में, या फिर फुल टाइम ट्रैवलर, पार्ट टाइम प्रधानमंत्री, इलेक्शन टाइम चौकीदार और सीजन टाइम चाय वाले के मामले में। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री होना बहुत बड़ी बात है। 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री, 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज का प्रधानमंत्री, 65% यूथ पॉपुलेशन का प्रधानमंत्री। लेकिन क्या पिछले 5 सालों में हमारे प्रधानमंत्री ने अपने डेजिग्नेशन के साथ जस्टिस किया? बिना किसी फालतू बात के जानते हैं वो तमाम बातें जिनकी वजह से चौकीदार ने भारत का इंटरनेशनल लेवल पर मजाक बनाया। पीएम दवोस में भाषण देते हुए बोले, 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में 2014 में 30 साल बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया। 600 करोड़ वोटर तो इस दुनिया में भी नहीं है। एक इंटरनेशनल चैनल जब आपके प्रधानमंत्री को ये तक कह दे तो आपको कैसा लगेगा? और जब बात आई क्लाइमेट चेंज की तो ये यहाँ भी कुछ अलग ही ज्ञान फैल गए। ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए। अब भैया, जिस चीज का ज्ञान ना हो उस पर चुप रहना ही बेहतर होता है, लेकिन इन्हें कौन समझाए? इनके झूठ बोलने और फेंकने की आदत का नुकसान इस कदर हुआ कि अगर आज गूगल पर दुनिया का कोई भी इंसान फेकू सर्च करे तो उसको हमारे ही प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखाई देगी। देश का एक प्रधानमंत्री होता है और उस डेजिग्नेशन का एक रुतबा होता है, शान होती है, रिस्पेक्ट होती है। लेकिन सिर्फ इलेक्शन के चक्कर में अगर प्रधानमंत्री खुद को कभी चाय वाला, कभी चौकीदार बनाए तो इससे पीएम की शान कम होती है। पीएम के झूठ से इंडिया की बदनामी की कहानियां और भी हैं, लेकिन इसको देखने के लिए शा, 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 के अगले एपिसोड का वेट करिए।